पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी है। इमरान खान ने भारत के नागरिकता कानून और कश्मीर मुद्दे को लेकर कहा कि इससे दक्षिण एशिया में न केवल शरणार्थी की समस्या पैदा हो जाएगी बल्कि ये परमाणु संपन्न शक्ति देशों के बीच संघर्ष को भी जन्म दे सकता है। इमरान खान ने आगे कहा कि हमें पाकिस्तान में बस यही चिंता हो रही है कि भारत के फैसले से शरणार्थियों की समस्या पैदा हो जाएगी और इसकी परिणति दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच संघर्ष के रूप में हो सकती है। बता दें कि इमरान ने आरोप लगाया कि भारत कश्मीर की मुस्लिम बहुल जनसंख्यकी को बदलने की कोशिश कर रहा है। नागरिकता कानून को लेकर इमरान खान ने कहा कि कश्मीर में कर्फ्यू और नए नागरिकता कानून की वजह से लाखों मुस्लिम भारत से भाग सकते हैं जिससे रिफ्यूजी संकट पैदा हो सकता है। इस शरणार्थी संकट के सामने बाकी समस्याएं बौनी हो जाएंगी। इमरान ने आगे कहा, भारत के मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करने के लिए ये कानून बनाया गया है। भारतीय मुसलमानों के अधिकार छीने जा रहे हैं। इस कानून के खिलाफ भारत में दंगे हो रहे हैं और लोग सड़कों पर हैं। जान लें कि भारत में शरणार्थियों का एक बहुत बड़ा संकट जन्म ले रहा है। कश्मीर में 80 लाख लोग पहरे में हैं। वह बहुसंख्यक मुस्लिमों को अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो दो एटमी ताकतों में टकराव हो सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।